आज हम लोहड़ी के लिए आपको तिल और मखाने के लड्डू लेके आए, जिसमें हमने आधा किलो मूंगफली था, आधा किलो ही तिल थी, और उसमें गोंद था 200 ग्राम और मखाने थे 250 ग्राम। इसमें हमने आधा किलो घी, आधा किलो गुड़ भी डाला। हेलो, जय माता दी। तो आज हम बनाएंगे लड्डू। ये मखाने हैं, गुड़ है, मूंगफली भी है, गोंद है और घी है। पहले तिल भून लेंगे। गुड़ हम ऐसे कद्दूकस कर देंगे, उससे वो गीला गीला हो जाएगा तो घी कम लगेगा और उससे भी बाइनिंग हो जाएगी। तो ये तिल हमारी अच्छे से भून गई है और इसमें और डाल दीजिए। इसको पैन हमने छोटा लिया तो 2-3 बार भूननी पड़ेगी। अभी हम मूंगफली डाल देंगे, उसको भी अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली भून रही है, मूंगफली को भी इतना अच्छे से भूनना है। मूंगफली चटकने लगती है ना, जब चटकना बंद हो जाए तब तक इसको अच्छे से भून लेना है। अभी ये हो गया तो मूंगफली भी हमने भून ली। अभी हम इसमें पैन में घी डालते, वो जो गोंद रखा है उसको भूनेंगे। गैस कम रखते हैं तो इसको इसमें डाल दें। ये ना मोटा मोटा गोंद है तो इसको चिपकने का ज़्यादा डर रहता है। तो इसको हम इस घी में अच्छे से भून लेंगे, वैसे भी कच्चा न रह जाए। ये गोंद है बहुत बढ़िया होता है सर्दियों में, हड्डियों के लिए, कई चीज़ों के लिए। ये अच्छे से हो गया, फूल गया। गैस करते बंद और तो हम मिक्सी में तिल को पीस लेते हैं। इसको भी थोड़ा खुले बर्तन में सारे कट करके इसमें डालेंगे और बची हुई तेल भी पीस लेंगे। मूंगफली है, इसको अच्छे से छिलके इसके निकाल के इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, छिलके निकल जाएंगे इसके इस तरह से। पूरे फिर इसको पीस लेंगे। मूंगफली भी हमने पीस लिए, इसको अच्छे से पीसने का है ऐसे, फिर इसी का भी तेल निकल जाता है, फिर घी कम लगता है ना तो घी बहुत ज़्यादा लगता है। मूँगफली भी ऐसे ज़्यादा देर अच्छे से पीसेंगे तो उसको भी तेल पड़ रहा है। अभी हम ये मखाने भी थोड़े सुखा लेते, इसको भून लेते। तो ये मखाने हो गए हैं, अभी ये चर चर कर रहे हैं, पीस रहे हैं, फूट रहे हैं, तो बस इतना ही पीस करना है इसको, हमारे को ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये मखाने भी पीस लिए हमने, इसका ऐसे पेस्ट बना दिया। गोंद हमने गोंद भी पीस लिया, ऐसे हो गया ये पीस के। तो अभी तक हमने जो इसमें डाला है, तिल डाली है, मूंगफली डाली है और मखाने डाले, ये गोंद डाल दिया है। और अभी इसमें गुड़ डाल देंगे। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें इकट्ठी होके मिक्स करनी पड़ेगी और गुड़ भी डाला वो भी मिक्स करेंगे। तब इसमें लास्ट में घी डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना घी डालेंगे। तो इसको मैंने, ये इसमें ज़्यादा हो गया था इसलिए 2 बर्तन में कर दिया, एक में इसमें क्या, इसमें तो गुड़ भी हम आधा था कर दिया है और गुड़ डाला है। तो ये आधा किलो घी पकड़ा दिया हमने, इसको इसमें डाल देंगे, आधा इसमें आधा उसमें डाल देंगे। तो इसको अभी पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर इसके लड्डू बना देंगे। हम इसके लड्डू बनाने शुरू करते हैं, छोटे बड़े आपकी मर्जी है, जितने बनाने चाहो, बड़े बड़े भी बना सकते हैं, छोटे छोटे भी बना सकते हैं। फटाफट इसी तरह से हम इसके सारे लड्डू बना देंगे। फिर इसको महीने भर भी ये ख़राब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें घी और गुड़ से बना रहे हैं इसको, तो ये ख़राब 2 महीने भी रहेंगे तो अभी नहीं होगे। बना के फ्रिज में एक एक लड्डू रोज़ खाओ। जैसे इसमें मखाने डाले, तिल है, तिल गर्म भी होती है तो ज़्यादा नहीं खाने का है। तो हम लोग भी लोहड़ी के लिए बना रहे हैं, आप लोग भी बनाना है ऐसे ही लोहड़ी के लिए इस तरह से लड्डू।
तो ये हो गए हमारे मकर संक्रांति के लिए लड्डू और लोहड़ी के लिए भी। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी पोंगल। मेरे वीडियो को करना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय माता दी।